चीफ जॉब को देने से देना है, उसकी क्या कंडीशन है? उसको कंडीशन ये होती है, पहले हमें उस बंदे को यदि कोई बेहोश हो गया उसको पहले सीधा लेट आइए, हैंड सीधे करने के उपरांत बंदे को लेटाने के बाद पहले हम उसको पल्स चेक करते हैं। पल्स कैसे चेक करते हैं? यदि कोई यंग है तो 3 फिंगर्स लेंगे और उसके इधर चेक करेंगे, अगर यहाँ पे भी लग रहा है कि उसको पल्स नहीं आ रही है, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, थोड़ा उसके माउथ को थोड़ा सीधा करने की कोशिश करेंगे, और यहां से बिल्कुल सीधा हमें यहाँ पे देखना है उसके यहाँ पे ऊपर नीचे अप और डाउन हो रहा है या ये कंडीशन भी नहीं होगी, तो हम इस कंडीशन में क्या करना है बंदे के साथ, हमको उसका माउथ थोड़ा ऐसे खींच लेना है, उसके बाद उसकी नाक बंद करनी है इस तरीके से, और हमें उसको 2 बार सांस देना है और 13 पंप्स करने हैं। उसमें ये कंडीशन क्या होता है कि आपने देखा फिल्म में तो ऐसे कर देते हैं कहीं में भी, हमें क्या करना है, हमें एक हैंकी टाइप का लेना है अपना पर्सनली, जो हमारा अपना हैंकी है उसको इस तरीके से उसको कर लेंगे फर्स्ट होल्ड, यानी काफी सारी होल्ड कर लिया हमने, उसको ऐसे करना है और उस पेशेंट का या उस बंदे का नोज क्लोज करना है, आपको 2 बार उसको सांस देना है, 2 सेकंड्स का होता है इस तरीके से, तकड़ी तकड़ी सांस लेने के बाद उसकी नेज छोड़ने के बाद आप उसकी नाक ऐसे छोड़ देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है इस तरीके से अपने हैंड को खरना है खींच के बिल्कुल स्ट्रिक, ये नहीं कि ऐसे करोगे आप, सीधा खींच लेंगे अपने हैंड को और अपनी कमर के बल पे उसके साइड में बैठ जाएंगे आप, जैसे कि तो हम यहाँ खड़े हैं, और यहाँ से ठीक 3 इंच नीचे यहाँ पे हमको इस तरीके से करना है और उसको 13 पंप्स देने हैं, और ये 2 इंचेस का होगा जो पंप होगा 2 इंचेस का होगा, और ये 1 मिनट, ये मतलब ये है कि 1 मिनट में 100 कितनी उससे करना है इसको, 13 पंप्स हो गए, उसके बाद फिर हम यही कंडीशन दोहराएंगे दोबारा से, उसके नोज से उसको क्लोज करेंगे और उसको सांस देंगे और फिर ये 13 पंप्स जब तक एम्ब्रेस नहीं आते, ये 30:2 होता है, 30 प्रेस फिर 2 पंप्स फिर 30:2 होता है ये जो होता है अडल्ट्स, और ये अभी हमारे इधर ये अभी काफी सालों से मुहिम चलाई जा रही है, कैंपिंग चलाया जा रहा है, और जो फॉरेन कंट्रीज है उधर ना थर्ड क्लास में बंदों को देना स्टार्ट बताना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि कहीं पे भी कोई ऐसी कंडीशन हो तो वो इस चीज को हैंडल कर सके। अभी हमारे इंडिया में ज्यादातर जो मृत्यु हो रही है इसी के कारण हो पा रही है, क्योंकि हम लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, हम वाटर करते हैं और एम्बुलेंस कॉल करने लग जाते हैं या उसके रिलेटिव को, तो किसी के साथ ऐसी घटना ना हो आप इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करें अभी, ठीक है भाई? और भैया बताएंगे, और बाकी जो CPR है, बाकी अपना जो ब्लड फ्लो है, जो ब्रेन तक और पूरे वाइटल